बागपत जिले में उस समय हाहाकार मच गया जब सूखी पड़ी यमुना में अचानक पानी आ गया। पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सारे बांध लबालब भर गए हैं, जिससे उनके पानी को छोड़ना मजबूरी हो गया है। कुछ ऐसा ही हुआ जब हरियाणा की हथिनी कुंड बैराज से 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे नदी की सूखी तलहटी में खेती कर रहे किसानों की फसल डूब गई। थोड़ा इस अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को पूर्व सूचना नहीं हो पाई और ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि कोई दुर्घटना घटित नहीं है, यथा इसमें दुर्घटना घटित हो सकती है। तो हम आसपास के गांव में ग्राम प्रधानों के माध्यम से और हमारे संबंधित विभाग के माध्यम से हम लोगों को इस संबंध में जागरूक सचेत सतर्क करेंगे कि जब पानी बढ़ गया तभी खासतौर से बच्चों वगैरह का ध्यान रखें और नहाने वगैरह उसमें न जाएँ गहरे पानी में, इस संबंध में पूरी। प्रशासन ने भी किसानों और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही प्रशासन को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश भी दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।